सरफेस एरिया एंड बाबू हम तीन दिन से हम बोल कर कहते हैं यही चल रहा चैप्टर्स है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कर लो खत्म जल्दी, बहुत बड़ा चैप्टर वाला है ना। ठीक है चलो बातें बंद करो, सबसे पहले बेसिक चीज जान लो इसमें से, उसके बाद पूछना यहाँ पर जो भी करना है। ठीक है यहाँ पे बात है पहले सरफेस, सरफेस का मतलब क्या होता है, सतह यानी प्लेन जो होता है ना, अरे नीचे नहीं सतह कुछ भी हो सकता है ना, यानी हम कह सकते हैं इसको क्या कहते हैं हिंदी में सतह। एरिया मतलब क्षेत्रफल और वॉल्यूम मतलब आयतन, पहले बात समझना है पर ए क्या हो रहा है पीछे। ठीक है तो ये तीन चीजें बात समझना हो, क्षेत्रफल और यहाँ पर सतह भी है और आयतन भी है, मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम, पहले इस बातों को समझ लो होता क्या है। एक बात बताओगे कि मेरे पास मान लोगे कि ये मेरा मार्ग थी है डंडा है पीटने वाला कितना छोटा सा है ना अगर मान लोगे कि इसका ये प्लेन है ना, देखो हम लोग सतह को प्लेन भी कह सकते हैं, तो एक प्लेन है, एक सतह हो गया, दो सतह हो गया, तीन चार पाँच छः, मतलब एक प्लेन चीज क्या कहते हैं हम लोग, सतह कहते हैं यानी सरफेस कहते हैं। ठीक है और उस सतह का एरिया, तो एक बात बताना बाबू अगर मैं ऐसे रख दूँ, अगर मैं सिर्फ इसका एरिया बात करूँ सिर्फ इसका ऊपर एक सतह का, तो रियल में 2D हुआ कि 3D हुआ, 2D फिगर हुआ ना, 2 डायमेंशन। तो सबसे पहले हम 2 डायमेंशन पढ़ाएंगे, ठीक है तब आएंगे 3 डायमेंशन पे। अब यहाँ समझोगे वॉल्यूम क्या हो तो बाद में देखेंगे, मतलब कैपेसिटी, मान लो एक ग्लास है, ग्लास में कितना पानी आएगा वो पानी उसका क्या कहलाएगा, आयतन यानी कैपेसिटी यानी वॉल्यूम कहलाएगा। ठीक है तो पहले समझ लेते हैं यहाँ पर 2D फिगर में पहले समझ लेते हैं ना, हाँ ब्लैक बोर्ड भी 2D हो गया। ठीक है तो पहले डालो 2D चलो ठीक है बाबू 2D में कौन कौन से फिगर आएगा, देखो पेज को ऐसी फोल्ड करना बाबू 2D में हम पहला बता रहे हैं आप वर्ग मैंने स्क्वायर है ना स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है ऊपर से बात करते दूसरा नंबर में रेक्टेंगल, रेक्टेंगल यानी आयत, आयत यानी रेक्टेंगल। अगला हाँ चलो मान लो यहाँ पर कितना क्या सर्कल, अब सारा नहीं पढ़ना है यानी सर्कल मतलब ब्रीथ। ठीक है ट्रेपेज़ियम में से नहीं पढ़ना है ये 2D फिगर हो गया। अब जो 2D फिगर का हमें दो चीज निकालना होता है, या तो परिमाप या तो क्षेत्रफल यानी पेरीमीटर और एरिया। हमें इसमें कितना निकालना है बाबू, दो चीज निकालना है, कौन कौन सा, पेरीमीटर और एरिया है ना, पेरीमीटर यानी परिमाप, एरिया यानी क्षेत्रफल है ना, एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है तो ना परिमाप यानी पेरीमीटर होता क्या है बाबू, जितने भी बाउंड्री है अगर उसका मैं सम कर दूं, तो अगर सम कर दूं जोड़ दूं तो उसे क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। किसी फिगर का बाउंड्री की लंबाई जोड़ दोगे तो हमेशा क्या कहलाएगा, पेरीमीटर कहलाएगा। ठीक है बताना इसमें जो साइड है सभी साइड कैसा दिखाई देगा, मान लेते सभी ए है क्योंकि सभी का लेंथ क्या होता है इक्वल बताना इसका पेरीमीटर कितना, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इजकल टू 4a है ना, और 4 इंटू हम था ए को क्या माने हैं साइड, तो 4 इंटू साइड यानी साइड मतलब भुजा है ना, 4 गुने भुजा भी कह सकते हैं। ठीक है अब बता इसका मैं बात करूं, यहाँ पे ए एल है, बड़े वाले को एल कहते हैं छोटे वाले को बी कहते हैं यानी ब्रेथ है ना, लेंथ और ब्रेथ। तो इसका भी हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का मतलब होता है सभी को जोड़ दो, चलो अब देखो यहाँ पर अभी बास पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। ठीक है लड़का उधर कहाँ घुस रहे हो, अभी इधर चल रहे हैं ना। ठीक है तो होता ना इसका भी एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो बताना इसमें दो बार एल दिखाई दिया तो लिखेंगे 2L, दो बार भी दिखाई दिया तो 2B,
पता नहीं दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, यानी हमारे पास एल प्लस बी, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ को जोड़कर डबल कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का परिमाप। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, सुनो कॉपी करना बाद में बाबू, पहले ध्यान दो यहाँ पर। अब ये क्या है बाबू, सर्कल यानी वृत्त। ठीक है, अब बताना इसका पेरीमीटर होता है कि सर्कमफ्रेंस होता है, इसका होता है सर्कमफ्रेंस, दोनों में अंतर कुछ नहीं है, मतलब ये राउंड है गोल है इसलिए कहते हैं सर्कमफ्रेंस, अदरवाइज इसको क्या कहते हैं हम, पेरीमीटर। अब एक बात बताना, सुनो इसका होता है सर्कमफ्रेंस, चलो इसका क्या होगा, ये सेमी सर्कल है ना और ये है सर्कल, तो बता इसका हम पेरीमीटर कहेंगे कि इसको पेरीमीटर कहेंगे, अगर निकालना है लेंथ ऑफ बाउंड्री तो इसका होता है सर्कमफ्रेंस, इसका क्या कहेंगे, पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर तब लगता है जब क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा तो हम क्या लगाते हैं, पेरीमीटर लगाते हैं यानी परिमाप लगाते हैं। ठीक है, या तो गोल रहेगा तो परिधि। ठीक है, तो इसका परिधि क्या होगा, सर्कमफ्रेंस कितना होगा इसका, 2πr, बस कंप्लीटेड। ठीक है, अब r क्या है बाबू, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कहलाएगा, r, और पाई का वैल्यू कितना होता है, या तो 22/7 होता है या और क्या होता है, 3.14 लेके चलते हैं। ठीक है, इसको भी मेंशन कर लेना कहीं कहीं। हाँ, पाई का वैल्यू दो चीज़ होता है हमारे पास, 22/7 लेके चलेंगे या तो 3.14 लेके चलेंगे। ठीक है, क्या हुआ, हाँ वो दे देता है कि ये यूज करना है। ठीक है, बहुत कहाँ यूज कराएगा, जबरदस्ती है, अच्छा तो माइंड में क्वेश्चन आता होगा ना कि जब 2D ही पढ़ा रहे थे फिर 3D पढ़ा, 2D कहाँ पढ़ा रहे हैं बाबू, बिना थ्री उसके बिना वो बनेगा, हाँ इसी से बनेगा 3D। ठीक है, तो ये हमारे पास होना जरूरी है। कहाँ तक कवर कर रहा है ये, अब ठीक है इसको ऐसे कर दो, ठीक रहें दो, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे बाबू, अब बात करते एरिया, देखो एरिया निकालने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दो साइड को क्या करो, इनटू कर दो, मतलब अपोजिट साइड को इनटू कर दो। ठीक है, हाँ लेंथ और ब्रेथ को इंटू करो, मतलब इसका लेंथ भी क्या है ए है और इसका ब्रेथ भी ए है, मतलब हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब हम कहते हैं क्या, भुजा का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड स्क्वायर। अब बताना इसमें क्या है बाबू, एल इंटू बी, और इसका क्या होता है सर्कल का पाई आर स्क्वायर, 2π नहीं होता। देखो कैसे याद करोगे, जब सर्कमफ्रेंस होगा तो 2 यहाँ आ जाएगा, जब स्क्वायर थी एरिया होगा तो वहाँ चल जाएगा मुंडी पर, है ना, मतलब देखो एकदम एक सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 2πr और पाई आर स्क्वायर, इस बार r 2 कहाँ चला गया, मुंडी पे चला गया, यहाँ पर नीचे बैठा है। बोले कैसे याद करेंगे, तो एक बात बताएं, हाँ इसमें ना इसके जगह पाई डी लिख सकते हो, ऑप्शनल करके कितना कर सकते हो, पाई डी भी ले जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि 2r मिलकर d लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दोगे यार, है ना कि जब पेरीमीटर निकालते हैं तो इसका यूनिट सिंपल सा रहता है, या तो मीटर है तो मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रहेगा, लेकिन इसका यूनिट का क्या होता है, स्क्वायर होता है, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका जो यूनिट होगा उस यूनिट का क्या करेंगे, स्क्वायर में लिखते हैं। तो ऐसे याद रखो इसका स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तीन तारीख डालो,
इसे मिटा देना, अब मिटा देना, ठीक है। हाँ हाँ, एक है बाबू इसमें डाले हैं, क्यों बताएंगे, एक ही प्रूफ करना, वही तो थ्योरम पे लेके चलना है, उसी में से थ्योरम है। वो तो कॉपी नहीं रखता है ना, इसलिए गायब कर दिया, फिर बोला कि कहाँ, हाँ तुम रखा होगा ऐसे रखो ना, तुम बहुत रखता है। चलो बाबू आप कहाँ चलते हैं, 3D, आप जितने अच्छे, 3D का मतलब 3 डायमेंशन और 2D मतलब 2 डायमेंशन है। हद नहीं कर देता है, तुम बुक बेच दो, कॉपी कहाँ बेचेगा, बुक तो दोबारा मिल जाएगा, कॉपी नहीं मिलेगा तुम्हारा फिर से। मेरे पास तुम बिलीव नहीं करोगे, आज भी मेरे पास इंटर का सारा कॉपी रखा हुआ है। अब मान लोगे तुम इंटर पढ़ लियो हो, अब इंटर का फिर बुक तुम्हें कॉपी रेडी करने में फिर उतना साल लग जाएगा ना, तुम्हारा नोट्स तुम्हारा होता है, बुक तो तुम्हें कहीं भी मिल जाएगा बाबू, दुकान पर जाओ परचेज कर लोगे, लेकिन जो तुम्हारा लिखा हुआ राइटिंग है या तुम बनाए हो नोट्स खुद से, वो कभी नहीं मिलेगा, उससे नहीं बेचना चाहिए, 8 से ही नहीं बेचना चाहिए, बुक से खोज के बना लोगे खुद से। मान लो बुक तो तुम कभी भी परचेज कर सकते हो, तुम्हारा कॉपी मिलेगा फिर से दोबारा, वो तो ले जाएगा सब, उसमें 4 समोसा खा लेगा उसमें, और क्या करेगा। ए चलो बातें बंद करो, ए चलो, अब 3D मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन होना चाहिए, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट का भी मेंशन होना चाहिए। 2D में क्या था, बस लेंथ और ब्रेथ था, तुम दोनों नहीं मानोगे, यहाँ ध्यान दो आगे, ठीक है। तो अब 3D में ध्यान दोगे बाबू, यहाँ पर इसका भी कुछ ये टेढ़ा हो गया क्या, अरे गंदा लगता है हमको दिखने में। चलो उतना चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब यहाँ ध्यान दो, इसमें हमें 2 फिगर बनाने हैं, आप ये भी दे, 2 पॉजिटिव, ठीक है। चलो बाबू आप देखो इसमें क्या क्या निकालना, वो पहले मेंशन कर लेते हैं। देखो इसमें फिगर बनाएंगे, इसमें हम बस एरिया निकालेंगे और वहाँ पर वॉल्यूम निकालेंगे, इसमें हमें याद निकालना बाबू, यहाँ पर एरिया निकालना है ना, बस कहते हैं इसको सरफेस एरिया कहेंगे ना, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, अरे तुम एरिया लिखो कोई दिक्कत नहीं है, सरफेस एरिया और यहाँ पर वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, हाँ बोलो, जो चारों ओर होता है बाबू, एरिया ही है ना, एरिया में सारे आ जाएंगे, ठीक है। पहले समझ लो कि यहाँ पर क्यूब बना देते हैं, लंबा खींचने से ना यही दिक्कत होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे बाबू, पहला फिगर जो बनाने जा रहे हैं, देखो जितना हमको जरूरत है ना उतना ही लेके चलेंगे, और ये बहुत सारे रहेंगे है ना, तो जब हम स्क्वायर पढ़ाए थे, स्क्वायर से क्या बनाएंगे बाबू, क्यूब बनाएंगे, मतलब घन, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर को अगर हम कोना कोने मिला दे तो बन गया हमारा क्या, ये क्यूब यानी घन है ना, क्यूब यानी घन, घनघोर घटा है ना, अरे धन नहीं है घन है ना। अब बताना रेक्टेंगल से क्या बनेगा, क्यूबॉइड यानी घनाभ, आयत से बनेगा घनाभ, यहाँ पर एक लाइन को दूसरी लाइन से, इस लाइन को इस लाइन से, इस लाइन को इस लाइन से मिला दिए, तो ये हमारा बना घनाभ यानी क्यूबॉइड, ठीक है। अब आता है बाबू इसके बाद कौन सा, सिलेंडर, ये है मेरा सर्कल, एक सर्कल, और उसको जब नीचे ला दोगे
तो ये होगा दूसरा सर्कल। तो इसको कहते हैं जो ऊपर से नीचे तक, इसको कहते हैं हाइट और इसको कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो बेस किसको कहते हैं? हाँ दी आ गया भी। ठीक है, बेस मतलब तल होता बाबू, तल में तुम्हारा जो ऊपर है सेम नीचे है ना, इसका ये बेस है, इसका ये बेस है। ठीक है, और एक होता है स्पेयर। तो अभी स्पेयर नहीं पढ़ना, स्पेयर बहुत लास्ट चैप्टर में है ना, एक्सरसाइज में है, तो उसको देख लेंगे पहले। इसे तीनों को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसी पर तीनों पर क्वेश्चन अभी चलेगा मैक्सिमम। ठीक है, जब उसका आएगा तो फिर उसको लिखवा देंगे। क्यूबॉइड है ये, सिलेंडर हाँ, इसे कहते हैं बेलन हिंदी में। क्या कहते हैं? बेलन। कौन बेलन से मार खाया अभी तक? अरे सभी को मम्मी मारी होगी, हमको पता है ना। हे लड़का, मुंह बंद करो अपना। ठीक है, अब चलो यहाँ ध्यान दो बाबू। तो इस सरफेस एरिया जो होता है ना, दो तरह से बात करोगे सरफेस एरिया को, दो तरह से बात करोगे। एक टी एस ए और एक होता है एल एस ए। टी एस ए एल एस ए हाँ हाँ, टोटल टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, देखोगे तो हमें इसमें पहले याद रखना लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस एरिया एल एस ए हो गया। अभी एल एस ए होता क्या है बाबू, पहले बताना। तो देखोगे लेटरल का मतलब क्या होता है? चारों ओर है ना, मतलब ऊपर और नीचे। मान लो रूम है तो ऊपर नीचे को क्या करो, छोड़ दो, तो जो चार दीवार बचा ना, उसे चार दीवार क्या कहते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब ये लेटरल सरफेस एरिया बताना, ये है क्या? क्यूब है, और क्यूब का प्रत्येक जो सरफेस है ना, देखो सरफेस एरिया बात करें तो सभी सरफेस एरिया बराबर है। बताना था एक सरफेस एरिया स्क्वायर है, उधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर, मतलब एक स्क्वायर के एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। ऐसे कितने बार हैं? चार बार है ना, चार को है तो चार से क्या करेंगे? चार से इंटू कर देंगे, एक दो तीन चार दीवार है ना, तो चार से क्या की एक दीवार को चार से इंटू कर दिए, यानी हम कह सकते हैं इसको क्या, फोर इंटू साइड स्क्वायर, फोर इंटू साइड स्क्वायर मतलब चार गुणे भुजा का सर। तो ए स्क्वायर मतलब क्या है? ए क्या मान के चल रहे हो? साइड ही तो लेके चल रहे हो बाबू ना, ये सारा ए है इसका, लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या है इसका? ए ही है। ए क्यों है? क्यों सब बराबर रहता है। अरे अब मान लो है हाँ, एक क्यूबॉइड हो जाएगा। ठीक है, क्या सभी बराबर दिख रहा है क्या? नहीं बराबर नहीं है। ठीक है, जब सभी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सब बराबर दिखने लगे तो क्या कहना? क्यूबॉइड है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, कहाँ गया तुम, इधर आ जा। टोटल सरफेस एरिया मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या कहते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाबू देखो इस जितना कोड लिखवा रहे हैं, बाद में लिखवा देंगे कोड क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ऊपर नीचे मिला दिया तो छः हो गया ना, ए का था ए स्क्वायर और ऐसे कितने हो गए? छः, तो क्या हो गए? सिक्स ए स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ आ जाना बाबू, किस में? क्यूबॉइड में। तो बताना बाबू इसका लेंथ ये है, ब्रेथ इधर वाला है और हाइट जो खड़ा है। अब मान लो कि एक रूम बना है, रूम में चार पिलर है, एक दो तीन चार, खड़ा वाला चार पिलर है, वो चारों पिलर का क्या कहेंगे? हाइट कहेंगे। जितना लंबा लंबा पिलर है नीचे वाला ना ऐसे, उसे हम लेंथ कहेंगे, और जितना छोटा पिलर वाला है ऐसे ऐसे, उसे क्या कहेंगे? ब्रेथ कहेंगे। तो एल बी एच मेरा निकल गया। ठीक है, हाँ ये छोटा है तो ब्रेथ हो जाएगा, और ये लंबा है तो लेंथ हो जाएगा, और ये ऊंचाई है तो हाइट हो गया। ठीक है, अब बात करो, देखो रूम से ही समझना हर चीज़ को। ठीक है, अब बात करते हैं इसका हम लोग क्या, लेटरल सरफेस एरिया है ना, लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसका। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें चारों ओर का चाहिए ना बाबू। अच्छा बताना, नीचे क्या है? लेंथ है, और ये क्या है? यानी इसको अगर इंटू कर दे लेंथ, देखो दिख गया फिगर,
ये दीवार हो गया तो ये हाइट हो गया, और क्या हो गया लेंथ, तो लेंथ और हाइट को इंटू करेंगे स्पेस निकल गया, जितना ये फेस उतना ही क्या होता है ये फेस होता है, यानी टू एल एच, मतलब एल एच इधर का एल एच और इधर का भी एल एच, यानी क्या लिखेंगे टू एल एच, चलो प्लस उधर का भी क्या है, अब देखो हाइट है और बी है तो एच बी इधर का भी क्या होगा बी, यानी कितना हो जाएगा टू एच बी। अब बताना बाबू दोनों में टू और एच कॉमन है तो हम क्या करेंगे फाइनली, यहाँ चलो कलर चेंज कर देते हैं, फाइनली हम यहाँ पर कलर कर लेंगे, यहाँ पर कितना में टू एच बाहर ले लेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा एल प्लस बी। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस, कर्व क्या हो जाएगा पर कर्व पृष्ठ क्षेत्र पर या वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर, ठीक है कर्व इसमें आएगा बेलन में आएगा, ठीक है। अब क्या लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, साथ में चलो खींच लेते उसको भी। अब बताना बाबू देखो ए थोड़ा लिख लो पहले समझ लोगे फिर यहाँ समझ आएगा, ठीक है लिखते रहना। बताना यहाँ पर क्या ये दोनों जो निकला है किसका हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है लेटरल सरफेस एरिया, अगर ऊपर और नीचे को मिला दो तो क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, यानी इसमें हम क्या जोड़ेंगे ऊपर और नीचे जोड़ देंगे। एक बात हमें बताना बाबू ऊपर नीचे बात एक ही है, हम नीचे निकालते उसको डबल कर देंगे ऊपर हो जाएगा। बताना ये नीचे क्या है लेंथ और ये क्या है ब्रेथ, ये नीचे का एरिया एकदम रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी एल बी ऊपर भी क्या मिलेगा एल बी, तो मैंने क्या हो जाएगा टू एल बी, यही नहीं मिलेगा अगर 12 हम जोड़ देखो कोई किसी से मेंशन नहीं कर रहा तो तीनों में क्या दिख रहा है कॉमन टू बाहर दिखा रहा, बोलो कि यहाँ पे L है H है एच है बाबू इसमें एच नहीं, तीनों में नहीं मिल रहा कोई चीज़ बाहर करो बंद करो है ना, जब जब नहीं मिला तो एल बी लिखो प्लस बी एच लिखो और प्लस एच एल लिखो अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया, देखो माइंड में बस सेटअप रखना जब भी मतलब याद करना तो एक रूम को ले लो अंदर बेटर याद होता है कि बस L H और छुटका हो जाएगा B, ठीक है। अब बात करते हैं बाबू बेलन यानी सिलेंडर की बात करते हैं, अब सिलेंडर क्या होता है बाबू, तो अमूल का दूध कोई पिया है क्या पहले का, अमूल दूध पीता है कोई, ऐसा तो है अमूल दूध पीटा इंडिया है ना ये देता है ना सब, अरे छोड़ो तो अमूल का जो डब्बा आता था पहले जो पाउडर दूध था है ना, मम्मी तो घोर के देती थी लेकिन बच्चा कहता था हम ऐसे ही खाएंगे अच्छा लगता था ना, हाँ फाँकने में भले मुंह चिपक जाए पूरा कोई बात नहीं है है ना। हाँ देखो अब यार इसको लेटरल सरफेस एरिया नहीं कहेंगे, मैं लेटरल मतलब तब होता है जब एक साइड होता है, यहाँ पर गोल है तो बताना एक ड्रम है, ड्रम में कोई साइड दिखता है क्या साइड साइड, वो गोल है ना उसे कहते हैं कर्व सरफेस, सी एस ए उसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप चलो यहाँ ध्यान दोगे अब कैसे निकालेंगे बाबू, तो एक बात बताना पहले यहाँ पर एक्सपेरिमेंट देख लोगे, मान लेते हैं कि ये सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर का डब्बा है, हमें निकालना क्या है साइड का एरिया निकालना है। अब कैसे निकालेंगे एक बात बताना, मान लोगे कि इसको हमने क्या किया यहाँ से काट दिया तो ये कैसे दिखाई देगा बाबू, ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा ना। अब एक बात बताना इसी को ना ऐसे फोल्ड किया गया था तो गोल बना था, काट दिया तो ऐसे फैल गया, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया आपस में क्या होगा बराबर होगा, ये दिखने में कैसे लग रहा है रेक्टेंगल जैसा आयत जैसा, इसका एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये जो है इसका वैल्यू कितना होगा, इसको यहाँ गोल किए थे ना तो फोल्ड का कैसे दिखाई दे रहा था ये, इसको अगर दिखें उससे ऐसे ऊपर से तो कैसा बताना इसका लेंथ कितना होता है पाई आर स्क्वायर नहीं टू पाई आर, गोल कितना होगा लेंथ कितना होगा लेंथ ऑफ बाउंड्री टू पाई आर, मतलब वही जो खोल दिया तो क्या हो गया इसका नाम हो गया टू पाई आर, इसका हो गया टू पाई आर। चलो इसका क्या माने थे हाइट माने थे ना, ये क्या मेरा हाइट, अब बताना इसको इंटू करते हैं तो क्या निकलता है हमारा टू पाई आर इंटू एच, यानी टू पाई आर को इंटू करते हैं किस से एच से हो जाएगा मेरा लेटरल सरफेस एरिया, हमने कर्व सरफेस एरिया निकल गया। अब बात करते हैं हम इसका कितना टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। अब वो बताना एक चीज़ बताना सिंपल सा, हम बताएं लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर नीचे जोड़ दो, ऊपर नीचे जोड़ दो क्या निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो बताना ऊपर नीचे जोड़ने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, देखो यहाँ समझने के लिए तो हमारे पास निकला था इतना निकला था ना बाबू एच,
और बताना इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया क्या रहता है, इक्वल रहता है। सिलेंडर में ऊपर का ढक्कन नीचे का ढक्कन क्या रहता है, बराबर रहता है। अगर एक का एरिया निकाल लेते हैं तो ये एरिया ऊपर का देखने में कैसा लग रहा है, सर्कल जैसा, यानी इसका एरिया कैसा होगा बाबू, पाई आर स्क्वायर। ये कितने तरह से होगा, नीचे भी होगा, जोड़ दो पाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2πRh और प्लस 2πR स्क्वायर। दो कॉमन ले रहे हैं, पाई भी कॉमन ले रहे हैं, आर भी कॉमन ले रहे हैं, है ना। तो एक तो यहाँ पे h प्लस आर हो जाएगा, यानी 2πR और h प्लस आर। देखो ना यहाँ पर 2πR लिखो ना, देखो 2πR लिख दिए, h भी लिखो, अब बस क्या जोड़ दो, वैसे बस r जोड़ दो और कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा है। इसका 2πR h होता है, इसमें 2πR h प्लस आर हो जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए याद करने में, तो क्या लगता है इतना इतना मेहनत कहाँ ले करवा रहे हैं। अरे इसका बैटरी, उसका बातें बंद। चलो बाबू यहाँ ध्यान दोगे, अब बात करते किसका हम लोग, वॉल्यूम की। चलो एक वॉल्यूम का, जहाँ वॉल्यूम लिखा ना उसके मतलब अगर आजू बाजू जगह मिल रहा है तो इसका एक फॉर्मूला लिख लेना। इसका फॉर्मूला आता है बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट। एक छोटा सा फॉर्मूला है ना, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल। हाँ ऐसे मतलब कैसे शॉर्ट में लिखोगे, आधार लिख दो ऐसे, आधार क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ठीक है। मतलब आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, बेस एरिया इनटू हाइट। अभी क्या होता है वो फॉर्मूला बाबू, जितना पढ़ा है ना सब में एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, सारा याद हो जाएगा। कैसे याद करोगे, अब यहाँ ध्यान दोगे, बताना इसका बेस कैसा है बाबू, इसका बेस कैसा है, एक स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर ए लड़का ए स्क्वायर होता है ना, और इंटू हाइट, हाइट भी क्या है इसका, ए ही है, तो ए से इंटू कर दिया ना, कितना हो जाएगा, ए का पावर 3 यानी ए क्यू, मैंने साइड का क्यू करेंगे तो क्या निकल जाएगा, मेरा वॉल्यूम निकल जाएगा। चलो अब यहाँ ध्यान दो, नीचे का एरिया कैसे दिख रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे, लेंथ इंटू ब्रेथ, नीचे का बेस का एरिया कैसा है, लेंथ इंटू ब्रेथ और इंटू हाइट। तो यार है ना कि लेंथ और ब्रेथ को हम किससे, हाँ नीचे का एरिया, बेस एरिया इंटू हाइट। तो ब्रेथ बेस एरिया कैसा है, एल बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, और किससे इंटू कर दिए, तो उसको हम लोग कहते हैं एल बी एच, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलेंडर के, सब समझ लो, यहाँ पर सिलेंडर में नीचे का एरिया कैसा है बाबू, सर्कल, नीचे क्या है, सर्कल है ना, सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और किससे इंटू करेंगे बाबू, देखो सब में वही किए हुए हैं, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच, बस ये हो गया इसका फॉर्मूला। तो वो फॉर्मूला बस याद रहना, बेस एरिया इंटू हाइट, सब में लागू होगा वो। अब क्वेश्चन में चलेंगे, हाँ अभी एक बाकी बाबू, यहाँ पर स्फीयर बाकी हुआ है, ठीक है, सर्कल हो गया उसमें, लेकिन यहाँ पर स्फीयर बाकी है, तो स्फीयर नेक्स्ट क्लास में करा देंगे जब उसका चैप्टर आएगा, तो अभी एक्सरसाइज 2-3 चलेगा इसी पे। हाँ चलो बुक किसी के पास है और क्या एक्स्ट्रा, हाँ चलो हमको क्वेश्चन याद है, ठीक है, अरे हमको क्वेश्चन याद है, चलो हाँ देखो पहला जो क्वेश्चन है ना उसमें टॉप को छोड़कर क्या किया गया है, मतलब कि एक बॉक्स बनाया जाने वाला है, बॉक्स का एल बी एच दिया हुआ है, उसमें हाइट को कुछ मेंशन किया, डीपेस्ट जो दिया है ना वो सेंटीमीटर में, ध्यान देना उसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, और बोला गया है कि वो बॉक्स का जो फॉर्मेशन होगा, ऊपर का बॉक्स खाली है, ऊपर खुला हुआ है, तो उस बॉक्स को बनाने में कितने मतलब सीट की आवश्यकता पड़ेगी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है उसमें कि सीट बनाते समय कॉस्ट क्रेडिट दिया हुआ, तो कितने कॉस्ट सीट का पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन तो पढ़ लो फिर से बाबू, यहाँ पर नहीं काम
तो हम क्या बोलते पहले ही, ये चैप्टर सबसे बड़ा है बाबू। देखोगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें का एक्सरसाइज क्या है 13.1, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन बाबू इसमें कह रहा है कि एक बॉक्स बनाया जाने वाला है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है। तो पहले गिवन लिख लो, तो बाबू डायमेंशन ऑफ बॉक्स लिख लोगे, डायमेंशन ऑफ बॉक्स हाँ गिवन में है ना, लिख लोगे हिंदी में दिया है, गिवन यानी दिया है लिख लोगे यहाँ पर बॉक्स की लंबाई, बॉक्स की चौड़ाई, बॉक्स की ऊंचाई है ना, एल बी एच का लिख लोगे, हम बस ऑप्शन लिख रहे हैं। एल कितना है बाबू, एल बोलो तो कितना हो गया यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का है एल कितना, लेंथ कितना है 1.5 मीटर, ब्रेथ कितना है 1.25 मीटर, नेक्स्ट 65 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखोगे रियल में लेंथ ब्रेथ हाइट कभी बोलता नहीं है, वाइड मतलब बोलता है चौड़ाई, चौड़ाई को हम क्या कहते हैं ब्रेथ कहते हैं, और डीपेस्ट दिया है उसमें गहराई दिया हुआ है। गहरा मतलब क्या होता है, जब हम ऊपर हैं तो नीचे गहरा कहलाता है, और जब नीचे जाएंगे तो ऊंचाई कहलाएगा, बात एक ही है, डीपेस्ट कहे या तो ऊंचाई कहे बात एक ही है, तो उसको हाइट मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। डायमेंशन ऑफ बॉक्स यानी दिया हुआ LBH कितना दिया है, बॉक्स का लंबाई, बॉक्स का चौड़ाई, बॉक्स की ऊंचाई, ठीक है। अब बताना बाबू पहले सारे यूनिट किस में है और ये किस में है, तो यानी ऐसे बनने के नहीं, ठीक है, सभी यूनिट एक समान होनी चाहिए थी, या सबको सेंटीमीटर बदल लो या तो इसको मीटर बदल, एक ही बदल लो, छोटा सा है इसको करने के लिए है ना। तो 65 को हम 100 से अगर डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, यानी 0.65, ठीक है। हाँ ठीक है बाबू, तो ये हमारा क्या हो गया, हाइट हमारा निकल गया। अब क्वेश्चंस कह रहा है कि जो बॉक्स ये दिया हुआ, समझाना क्या है इसमें दिया हुआ बाबू कि लेंथ ब्रेथ हाइट बाबू 65 क्या दिया है, सेंटीमीटर दिया, और ये किस में है देखो, तो ये किस में है, ये भी है मीटर लेकिन ये किस में है, तो बाबू सारा यूनिट एक जैसा होना चाहिए ना। तो अब हाथी के पाँव में कुकुर पाँव नहीं लगाओगे ना, है ना, उसको हाथी पाँव बनाना पड़ेगा तब जाके लगाओगे तो फिट बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ सेंटीमीटर सब मीटर में है, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से भागा दोगे ना, डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिक वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से इनटू, याद रहना, ठीक है। जब 100 से डिवाइड किया तो मीटर बन गया, और इसको क्या लिख सकते हैं 0.65, ठीक है। अब बोल रहा बाबू जो बॉक्स बनाया जाने वाला है, ध्यान देना, ये हमारा बॉक्स बनाया जाने वाला है, इस तरह से कुछ बॉक्स का मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो लेंथ कितना दिया बाबू यहाँ पर 1.6 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 1.25 मीटर, और हाइट कितना दे दिया है 0.65 मीटर। बोल रहा है कि बाबू नीचे से ठीक है, लेकिन बॉक्स ऊपर से क्या है, खुला हुआ है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट जिसमें देगा क्यू बॉडी बनाना है, ठीक है। बोल रहा है कि बाबू ऊपर से ढक्कन जो है ना क्या है, वो खुला हुआ है, मतलब ये ढक्कन खाली है, यहाँ ढक्कन है ये नहीं है, ठीक है। अब बताना इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो पहला क्वेश्चन पे इसमें ध्यान दोगे, इसमें से कैसा क्वेश्चन बाबू, पहला क्वेश्चन ध्यान दोगे, पहला क्वेश्चन बोला है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए कितने सीट चाहिए, कितने चादर चाहिए, है ना, एक बॉक्स का चादर में मतलब बनाया जाएगा इसको किसने किसी चीज़ से, कूट से बनाया जाए चाहे किसी से बनाया जाए, तो उस चादर को बनाने में, इस बॉक्स बनाने में कितने कूट या चादर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो मान लो कपड़ा सिलाने जाता है तो पहले क्या करता है, बॉडी के नाप ले जाता है ना, अरे मान लो तुम कपड़ा दे दिया, ठीक है, दर्जी तुम्हारे बॉडी के हिसाब से कपड़ा क्या कर लेता है, काट लेता है, ठीक है। और देखो बहुत लोग होते हैं पेटी बक्सा के लिए क्या करते हैं, कवर बनाते हैं, ठीक है, तो क्या पेटी नीचे से कवर रहता है, नहीं ना, ऊपर से बस ढक देते हैं ऐसी, नीचे से खाली रहता है, बहुत लोग होते हैं नीचे से बना लेते हैं ऊपर ढकने के लिए। तो इसका कह रहा है कि जो बॉक्स बना के ऊपर से क्या है, खाली है, मतलब ऊपर से बेचारा खुला हुआ है, यानी चारों ओर है और नीचे भी है, तो चारों ओर के लिए क्या कहते हैं,
लेटरल सरफेस एरिया और नीचे का कैसा दिखता है, रेक्टेंगल प्लस रेक्टेंगल का एरिया, बस यही निकालना है। दोनों का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में वो कह दिया है ना, पहला क्वेश्चन लिख लो। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा, पहला क्वेश्चन, हाँ ये टोटल लिख दो, टोटल लिख दो, पहला क्वेश्चन जो है ना बाबू टोटल लिख दो, और उसको इज इक्वल टू, अगर जगह आचे बच रहा है यहाँ पर, वरना नीचे बच रहा तो नीचे से लिखना, ठीक है। क्वेश्चन लिखने के बाद, हाँ उतारने के बाद, नीचे से जगह बच रहा है नीचे से लिख देना यहाँ पर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स प्लस एरिया ऑफ बेस एरिया ऑफ बॉक्स, है ना, बेस एरिया ऑफ बॉक्स, है ना। बैठ के सोचते रहेगा क्या होगा, है ना। बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, बॉक्स का LSA और प्लस क्या किए हैं, आधार का क्षेत्रफल, बॉक्स के आधार का क्षेत्रफल, बॉक्स के आधार का क्षेत्रफल, वही क्वेश्चन उतार लो जो क्वेश्चन दिया हुआ है। बेस एरिया ऑफ बॉक्स, बेस बेस एरिया मतलब पेंदी वाला, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस बॉक्स को बनाने के लिए कितना सीट चाहिए। और ऐसा बॉक्स है, देखो क्वेश्चन लिखा ऊपर में, ऊपर से खुला, ओपन इन द टॉप, ओपनिंग इन द टॉप लिखा है कहीं, यहाँ ध्यान दें, हाँ ओपनिंग एट द क्या यहाँ पर द टॉप, ऊपर से बॉक्स क्या है बाबू, खुला हुआ है तो ऊपर का क्या है जोड़ेंगे जब खुला हुआ है, तो नीचे से बंद है ना, तो बता लेटरल प्लस नीचे, तो लेटरल प्लस बेस एरिया ऑफ बॉक्स, ठीक है। बताना यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स कैसे कहेंगे, लेटर सर 2H और L प्लस बी, और यहाँ नीचे का बेस एरिया कैसे कहलाता है, नीचे का एरिया कैसे कहलाएगा, ये L और B है ना, तो एल बी, एल इंटू बी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एल बी, चलो पहले बैठा दो, 2 इंटू एच कितना हमारे पास 0.65, लेंथ है मेरे पास 1.5 और ब्रेथ है 1.25 प्लस, बेस एरिया मतलब हमारे लेंथ हो जाएगा कितना 1.5 इंटू ब्रेथ हो जाएगा 1.25, ठीक है। चलो अब इसे सॉल्व करो, हाँ अंदर वाले को प्लस कर लो, चलो हद तक आगे बढ़ जाते हैं हम ही लेकर थोड़ा सा, क्या चीज क्या चीज समझ नहीं आ रहा तुम्हें, ये वाला समझ नहीं आया, ये क्या लिखे हैं, बॉक्स का LSA जो बॉक्स बना रहे हो, इधर कैरिया, इधर कैरिया, उधर कैरिया और इधर कैरिया, इस चारों ये क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या तो मतलब क्या कहते हैं, हाँ तो वो हो गया तुम्हारा, है ना, LSA हो गया लेटरल सरफेस एरिया, बॉक्स ऊपर से खुला है, क्वेश्चन तुम पढ़ा अभी तक, बंद कर रखा हुआ, ओपन करो पहले, हद है, मतलब महापुरुष है तुम, तो ऊपर से बॉक्स खुला है मतलब नीचे से हमको पेपर चाहिए, चारों चाहिए, चारों के लिए क्या होगा 2H into L plus B, ये फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया का, और बेस को भी बॉक्स से बनाया जा रहा है, बेस मैंने बेस में क्या है, पेपर है या जो जो यहाँ पर क्या यूज करा, जो बॉक्स बनाने के लिए सीट यूज की जा रही है, चादर यूज करी है, वो नीचे है, तो नीचे के एरिया कैसा दिखाई देगा, एक आयत जैसा है ना, तो आयत के लिए क्या होता है L into B, तो ही लिखें, ये लेटरल है चारों ओर का और L into B नीचे का, ऊपर का नहीं है, ऊपर खाली है, तो ये इसको बस वैल्यू बैठा दे, 2 की जगह 2, H की जगह H, L की जगह ये B, सब बैठा दिए वैल्यू, यहाँ पर कितना हो जाएगा इंटू करने के बाद 1.30, ठीक है, और इंटू ये कितना आ रहा है बाबू 572.75, ठीक है, और प्लस अब इसको इंटू कर लो 75 के 5 कैरी 7
37, 7, 37, 3, 15, 18, ठीक है, 1.875, ठीक है बाबू, इसको इंटू कर लो और फाइनली क्या करना है, इसमें जोड़ देना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। जीरो लिख दिया इसका, 13 65 के 5, 6 63 91 6 97 5 9 यहाँ पर हो गया, 13 26 9 35, ठीक है। दो डिजिट, दो डिजिट, चार डिजिट, 1 2 3 4, 3.5750 प्लस 1.875, बाबू जोड़ दो इसे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 5 5 10, 1 7 7 14, 1 15, 1 8 5 13, 1 14, 1 2 1 3 1 4, है ना, ठीक है। 4.45, लास्ट में जो 0 है ना, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको 0 को कोई वैल्यू नहीं रहता बाहर में, ठीक है। 5.45 मीटर का स्क्वायर, हाँ बाबू, यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिखे पता चला, 5.5 आ रहा, ओ सॉरी सॉरी, हाँ 3 और 1 4 होता है ना, अब फिर एक कैरी लिए थे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, हाँ कैरी था वहाँ पर एक ठो, तो मतलब 5.545 मीटर स्क्वायर अगर हमारे पास कोई सीट हो तो उससे हम वही बॉक्स को बना सकते हैं, ऊपर का खाली है, अगर ऊपर कोई भरा रहता ना तो टोटल सरफेस एरिया लगाते हैं, इतना नहीं करना, नहीं उतना, वो तो इजी हो जाता उसमें, हाँ डायरेक्ट करते हैं, हाँ बाबू। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है ना कि 1 मीटर का दाम दिया हुआ है, बस इंटू कर देना है, तो लिखोगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन में क्या लिख दोगे डायरेक्टली, हाँ हाँ क्वेश्चन लिख लो पहले, दूसरा वाला, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखते हुए जब लिख लोगे तो उसके जस्ट नीचे लिखना कि देयरफॉर साइन देकर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ है ना, ठीक है 20 रुपीज़, ठीक है बताना, तो इसलिए हम कह सकते हैं ना पर कितना हो जाएगा, 5.45 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 20 × 5.45, इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा टोटल बाबू, यहाँ पर 0 हो गया 119, ठीक है इतना आ गया हमारा 0, दो डिजिट बाद यहाँ बैठा देंगे, ठीक है ठीक है, तो 119 रुपया कॉस्ट आ रहा है बाबू टोटल, तो लिखोगे हैंस, मतलब यहाँ यहाँ का लोगे हैंस करके कॉस्ट ऑफ सीट फॉर रिक्वायर्ड मेकिंग बॉक्स, है ना, बॉक्स बनाने में दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरे दो क्वेश्चन पूछा होता इसमें, है ना, तो कॉस्ट ऑफ सीट फॉर मेकिंग द रिक्वायर्ड बॉक्स, है ना, बॉक्स बनाने में चादर का कुल कीमत कितना होगा, 119 रुपया टोटल कॉस्ट, एक सौ नौ है कि 119, देखो तो 109 आया है, तो मेरा ही गलती, कहीं गलती हुआ, कहाँ गलती, और तो चेक करते हैं कहाँ कहाँ गलती हुआ है, 0 यहाँ पर हुआ, ठीक है 5 × 10, 4 × 8, 1 9, 5 × 10, ओ हाँ ठीक है, अरे 10 ही आ रहा, ठीक है क्या चीज़ समझा दें, ये वाला तुम क्वेश्चन पहले पढ़ा है, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो तो, रुको कुछ, अरे बॉक्स बनाने में 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपए, 1 मीटर का खरीदने जाओगे तो 20 रुपए देना पड़ेगा, तो बोला इतना खरीदने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, 1 मीटर का दाम इतना है तो इतना मीटर का दाम कितना होगा, तो गुना कर दिए हैं 20 को कर दिए हैं, इससे गुना कर दिए हैं, मेरा 109 रुपया आ गया है, ठीक है, तो फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पर 109 रुपीस, है ना, तो बॉक्स को बनाने में कुल चादर का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 109 रुपया, ठीक है, लिखा तुम अभी तक,
ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन रीडिंग कर दो, बस समझाएंगे उसका आज। ये बातें बन, सेकंड क्वेश्चन फिर से रीडिंग करो तो बस। अरे होमवर्क ही देने वाले हैं। अरे क्वेश्चंस उसमें जो कह रहा फर्स्ट बार ना सेम है, इस बार नीचे क्या है, नीचे गायब है, इसमें ऊपर गायब था, इसमें बोला पेंटिंग करना है बाबू, तो पेंटिंग करते समय जमीन का कोई सॉरी देखो सेम क्वेश्चन है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स, तो लेटरल सरफेस ऑफ हॉल है या रूम है जो भी है, और बेस नहीं लिखे हैं, सेलिंग छत, छत लिखा है ना, सीलिंग लिखा है ना, तो सेलिंग एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, सेलिंग एरिया ऑफ हॉल। अरे तो है ना सेम लिखो, तब सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर बेस जगह क्या लिख देना, सीलिंग लिख देना, और यहाँ पर जो एल एस ए बॉक्स है वहाँ पर क्या लिख देना, हॉल लिख देना, मतलब उसका भी चारों निकालोगे, पेंट करना है ना, तो कल ना बना कर बताते उसका है? है? हाँ पर मीटर है ना, तो एक एक मीटर के पेंटिंग करने के लिए उसमें 7.50 रुपीज़ क्या है कॉस्ट लग रहा है ना, सेम क्वेश्चन है। अरे यहाँ पर सेलिंग एरिया ऑफ क्या रूम है ना, या हॉल है, क्या है, है ना, छत का क्षेत्रफल है ना, रूम है ना, कमरा है ना, कमरे का छत का क्षेत्रफल, और यहाँ का कमरे का कौन सा एल एस ए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ वक्री पृष्ठ है ना, वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल कहना, ठीक है। चल ठीक है, एकदम सेम क्वेश्चन है बाबू, उसमें कोई अंतर नहीं है, इस बार बस जहाँ बेस है तुम नहीं सुधरेगा क्या, कल ना बनाकर दिखाते हैं, कल पूछेगा तो बोलेंगे इसको, तो मैं कल से कॉपी मंगवाइएगा पहले वाला, कल तो कॉपी मांगे, कल तो हम कॉपी मांगे ही हैं, कल तो हम कॉपी चेक कर रहे हैं इसका। हाँ।